हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता भी होगा और मेरी वीडियोस अगर आपने पहले देखी हैं तो मैंने सोशियोलॉजी के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, जिसमें मैंने प्लेलिस्ट प्रॉपर तैयार करी हुई है सोशियोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की। तो अगर आपको वो सारे लेक्चर आप एक्सेस करना चाहते हो, आपको पता नहीं चल रहा है वो कहाँ पे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे। और जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे, कल्चर, नॉर्म, सोशल स्टेटस, सोशल रोल, अपने रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वेरियस अदर कॉन्सेप्ट्स आर देयर विच आई हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियोस। देन यू कैन गो एंड यू कैन एक्सेस द वीडियोस फ्रॉम द लिंक विच आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। दिस इज़ अ वेरी वेरी रेलिवेंट टॉपिक इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी की स्कोप क्या होती है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूँगा जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। तो इंट्रोडक्शन आपकी सबसे पहले टॉपिक की थोड़ा सा देता हूँ मैं आपको, कि स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है, वी ऑल नो दैट सोशियोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट विच हैज़ रिसेंटली बीन क्वाइंड, दिस टर्म वॉज क्वाइंड बाई अगस्ट कॉम्प्टन 1839 एंड दिस इज रिसेंट ओरिजन सब्जेक्ट। अभी रिसेंटली इसका ओरिजन हुआ है, क्योंकि ये कोई बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इन चीज़ों की मैं बात करूँ, इन सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ, तो ये काफ़ी पुराने हैं। इनकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी रही है और इनकी काफ़ी एक पुराना ये सब्जेक्ट्स जो थे वो आए थे। लेकिन अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करता हूँ, तो सोशियोलॉजी जो है वो कोई बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है। अभी रिसेंटली इसका ओरिजन हुआ है, लेकिन ये सब्जेक्ट लगातार एमर्ज हो रहा है और इसकी स्कोप लगातार बढ़ती जा रही है। जब शुरू में ये सोशियोलॉजी बना था, तो उस टाइम इसकी स्कोप जो थी वो रिलेशनशिप्स को लेकर ही जो थी वो काफ़ी नैरो स्कोप थी। और ये बोला जाता क्या था कि सोशियोलॉजी जो है वो इंसानों के बीच जो रिलेशनशिप है उसी की स्टडी करता है। लेकिन अब के टाइम पे देखा जाए तो उसकी स्कोप इतनी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कि सोशियोलॉजी केवल रिलेशनशिप को ही स्टडी नहीं करता, ये और ही बहुत से चीज़ों की स्टडी करता है। और भी चीज़ों की स्टडी करने का मतलब क्या है, ये इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कम्युनिटी, कल्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मैरिज, किनशिप, फैमिली, ड्रग एडिक्शन, एट्रोसिटीज़ ऑन SC ST और भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, पावर, अथॉरिटी, क्राउड और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों का जो है वो स्टडी अब सोशियोलॉजी करता है। तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, कि इंट्रोडक्शन में कि जो सोशियोलॉजी है इसकी स्कोप जो है वो बहुत वाइडर है, इसकी स्कोप बहुत वाइडर है। एक टर्म आप लिख सकते हो कि द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ वेरी वाइडर, सोशियोलॉजी इज़ वेरी वाइडर एंड द ओशन इज डेप्थ। ओशन जो है वो डेप्थ है इसकी एंड स्काई इज लिमिट। अगर मैं स्कोप की बात करूँ, सोशियोलॉजी की स्कोप की बात करूँ, तो जो सागर होता है, समुद्र होता है, जितनी समुद्र की गहराई है ना, उतनी ही इसकी स्कोप बड़ी है। और जैसे स्काई होता है, स्काई आसमान की कोई लिमिट नहीं होती, जहाँ आप जाओगे वहाँ आपको आसमान दिखता है, मतलब बहुत बड़ा होता है आसमान, तो वैसे ही सोशियोलॉजी की स्कोप बहुत बड़ी है। तो सिंपल भाषा में आई कैन से दैट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी वेरी वाइडर एंड स्काई इज लिमिट एंड ओशन इज डेप्थ। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सोशियोलॉजी के स्कोप की, तो इसके रिगार्डिंग दो स्कूल्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की बात करूं, तो आप नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। थॉट्स ऑफ स्कूल्स, अगर मैं सोशियोलॉजी के स्कोप की बात करूं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हैं। दो स्कूल्स हैं हमारे पास जो आपने हमेशा याद रखने हैं। एक स्कूल है हमारे पास फॉर्मल स्कूल, और दूसरा स्कूल हमारे पास जो है वो है सिंथेटिक स्कूल।
स्टूडेंट्स हमारे पास दो स्कूल हैं, एक है फॉर्मल स्कूल, दूसरा सिंथेटिक स्कूल। और जो फॉर्मल स्कूल है इसको हम स्पेशलिस्टिक स्कूल भी बोल देते हैं। मेरे दोस्तों, सोशियोलॉजी के स्कोप के रिगार्डिंग दो स्कूल्स हैं जो अपने अपने अलग आइडियाज़ देते हैं। पहला है फॉर्मल स्कूल जिसको हम स्पेशलिस्टिक स्कूल भी बोलते हैं, दूसरा सिंथेटिक स्कूल। अगर मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बताऊं तो फॉर्मल स्कूल जो है वो क्या बताता है कि सोशियोलॉजी की स्कोप बहुत नैरो है। ये स्कूल था, कुछ हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे, कुछ स्कॉलर्स थे, वो ये मानते थे कि सोशियोलॉजी जो है उसकी स्कोप बहुत बड़ी नहीं है, उसकी स्कोप लिमिटेड है और हमें लिमिटेड स्कोप उसकी रखनी चाहिए। ये एक केवल सोशल रिलेशनशिप से डील करने वाली साइंस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो स्कूल था फॉर्मल स्कूल, इसके जो स्कॉलर्स थे वो नैरो स्कोप की तरफ फोकस करते थे। लेकिन जो दूसरा स्कूल था वो था हमारा सिंथेटिक स्कूल, और इस स्कूल के लोग क्या बोलते थे कि सोशियोलॉजी की स्कोप जो है वो बहुत वाइडर है, वाइडर स्कोप है, कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है। और जो सोशियोलॉजी है वो केवल रिलेशनशिप को स्टडी नहीं करता और भी बहुत चीज़ों की स्टडी करता है। तो हम इन दोनों स्कूल्स को एज सिंपल एज जितनी सिंपल हो सकती है उतनी सिंपल लैंग्वेज में इन दोनों स्कूल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फॉर्मल स्कूल को पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं पहले स्कूल की बात करूं जो कि फॉर्मल स्कूल है और जिसको हम स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स भी बोलते हैं, तो इस स्कूल के हिसाब से मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो ये स्कूल मानता है। अगर मैं आपको इन सभी पॉइंट्स का छोटा सा क्रक्स बताऊं तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी की स्कोप बिल्कुल नैरो है। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करता है, इसके अलावा कोई स्टडी नहीं करता। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी स्कोप को हम जर्नलाइज नहीं कर सकते और ये नहीं बोल सकते कि सोशियोलॉजी के अंडर हम बहुत कुछ स्टडी करेंगे। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बाकी सोशल साइंसेस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक बड़ा नैरो व्यू दिया गया है फॉर्मल स्कूल्स के स्कॉलर्स ने। आगे मैं बताऊंगा आपको इसके स्कॉलर्स कौन कौन से होंगे। पहले आइए मेन आइडिया क्या है स्कूल का, मेन पॉइंट्स क्या है स्कूल के, व्हाट इज सोशियोलॉजी स्कोप अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल। व्हाट द सोशियोलॉजिस्ट ऑफ दिस स्कूल सेज दैट कि सोशियोलॉजी शुड नॉट बी जर्नलाइज्ड। फर्स्ट पॉइंट इज दैट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल स्कूल द स्कॉलर्स बिलीव दैट सोशियोलॉजी इज सो नैरो इन स्कोप दैट इट्स स्कोप शुड नॉट बी जर्नलाइज्ड। हम इसकी स्कोप को जर्नलाइज नहीं कर सकते, हर जगह एप्लीकेबल नहीं कर सकते, इसकी स्कोप बहुत नैरो है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल सोशियोलॉजी शुड कन्फाइन टू स्टडी सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी ओनली। ये स्कूल वाले ये मानते हैं कि सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसका यूज़ केवल कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स की स्टडी करने के लिए किया जाता है सोसाइटी के कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट की स्टडी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, अदरवाइज सोशियोलॉजी का यूज़ नहीं है, इसकी स्कोप बहुत नैरो है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि सोशियोलॉजी शुड डील विद इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशियोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के इंटरप्रिटेशन से ही डील करती है ओनली, और ये बात मैक्स वेबर ने बोली है, वन ऑफ द स्कॉलर ऑफ दिस स्कूल। आगे बताऊंगा कौन से स्कॉलर्स हैं। मैक्स वेबर बोलते हैं कि सोशियोलॉजी केवल ह्यूमन बिहेवियर का इंटरप्रिटेशन करती है, बाकी कुछ नहीं करती। आगे सोशियोलॉजी के बारे में क्या बोला हुआ है फॉर्मल स्कूल के स्कॉलर्स के हिसाब से, फॉर्मल स्कूल के हिसाब से कि सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है, ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है, इसका और साइंसेस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस बता दी गई, एक ऐसी सोशल साइंस बता दी गई जिसका बाकी सोशल साइंसेस के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ये जो स्कूल था फॉर्मल स्कूल ऑफ लीगल थॉट्स, सॉरी फॉर्मल स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स, ये क्या बोलता था, ये सोशियोलॉजी के बारे में बहुत नैरो व्यू देता था। ये स्कूल के हिसाब से क्या था कि सोशियोलॉजी की स्कोप कुछ नहीं है, सोशियोलॉजी बस क्या डिस्कस करती है, क्या स्टडी करती है, वो करती है ह्यूमन बीइंग की स्टडी, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, इसके अलावा कुछ नहीं। दो ह्यूमन बीइंग के बीच क्या रिलेशनशिप है, दो ह्यूमन बिहेवियर का रिलेशनशिप क्या है आपस में, बस यही स्टडी की जाती है फॉर्मल स्कूल के हिसाब से।
सोशियोलॉजी के अंडर। इसके अलावा सोशियोलॉजी की स्कोप कुछ नहीं है, इसकी स्कोप बहुत नैरो है। इस स्कूल ने एक नैरो व्यू क्रिएट कर दिया था, किसका, सोशियोलॉजी का नैरो व्यू क्रिएट कर दिया था। और इस स्कूल के हिसाब से फोकस किसके ऊपर किया गया था, इंडिविजुअल के ऊपर। इस स्कूल के हिसाब से क्या था कि जो इंडिविजुअल है वही किंग है, इंडिविजुअल की ही स्टडी की जाएगी, उसके बिहेवियर की स्टडी की जाएगी, इंडिविजुअल के रिलेशनशिप की स्टडी की जाएगी, बस सोसाइटी की स्टडी का कोई फोकस नहीं था। सोसाइटी के अंडर इंस्टीट्यूशन आते हैं उसकी स्टडी का कोई महत्व नहीं था, सोसाइटी के अंडर कल्चर आता है उसकी स्टडी करने का कोई महत्व नहीं था। सोशियोलॉजी को बस ये बोला गया कि सोशियोलॉजी बस क्या स्टडी करती है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की स्टडी करती है। इंडिविजुअल को किंग माना गया, राजा माना गया इस स्कूल के हिसाब से, कि इंडिविजुअल की ही स्टडी करती है, उसके रिलेशनशिप की स्टडी करती है, उसके बिहेवियर की स्टडी करती है, और बस सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी को हमें जनरलाइज नहीं करना है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं करना है, ये प्योर हमने साइंस रखनी है, अर्थात बाकी साइंसेस के साथ इसको इंडिपेंडेंट रखना है और बाकी साइंसेस के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो मेरे स्टूडेंट्स, अगर मैं सोशियोलॉजी के इस स्कूल की, फॉर्मल स्कूल के स्कॉलर्स की बात करूं, तो उसमें हमारे पास 3 स्कॉलर्स हैं बहुत फेमस, सॉरी, फर्स्ट इज मैक्स बेवर, अदर वन इज जॉर्ज साइमन एंड अदर वन इज वॉन वाइस। तो जो मैक्स वेबर और जॉर्ज साइमन है, ये दोनों जो स्कॉलर्स हैं ये जर्मनी के हैं, ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, ये जर्मन से बिलोंग करते थे। मैक्स वेबर, जॉर्ज साइमन और वॉन वाइस, इन्होंने जो सोशियोलॉजी की स्कोप के बारे में बताया, इन्होंने एक ऐसा व्यू दिया जिसे स्पष्ट हो गया, पता चल गया कि सोशियोलॉजी की जो स्कोप है वो बहुत नैरो है। इन्होंने अपने व्यूज़ को ऐसे एक्सप्रेस किया कि इन्होंने सोशियोलॉजी की स्कोप को नैरो कर दिया। क्या बोला मैक्स वेबर ने, ध्यान से सुनिए, व्हाट द मैक्स वेबर सेड, द एम ऑफ सोशियोलॉजी इज टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर। जो सोशियोलॉजी है उसका जो एम है, जो उद्देश्य है, वो सोशल बिहेवियर को इंटरप्रेट करना या अंडरस्टैंड करना, बस यही है। कितनी नैरो स्कोप है, आप देखो सोशियोलॉजी का क्या मतलब है, मेन जो बिहेवियर होता है इंडिविजुअल्स के बीच उसको इंटरप्रेट करना और उसको अंडरस्टैंड करना। दूसरा, जॉर्ज साइमन क्या बोलते हैं, हमारे जर्मनी के जूरी स्कॉलर, सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इसने फोकस रिलेशनशिप पे किया कि सोशियोलॉजी क्या है, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के बीच, उसकी स्टडी करना होती है। तीसरा, वॉन वाइस क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी द सोशल रिलेशनशिप। इसने भी यही बात बोली कि सोशियोलॉजी की स्कोप क्या है, सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करना। तो मेरे दोस्तों, जो फॉर्मल स्कूल था जिसके जो स्कॉलर्स थे वो थे मैक्स वेबर, जॉर्ज साइमन एंड वॉन वाइस। इन तीनों ने अपने जो थॉट्स दिए सोशियोलॉजी की स्कोप को लेकर, इन्होंने अपने थॉट्स से बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सोशियोलॉजी की जो स्टडी करना है, जो सोशियोलॉजी है वो क्या स्टडी करती है, केवल सोशल रिलेशनशिप, केवल ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने जो डेफिनेशंस दी, इसके हिसाब से इन्होंने फोकस किसके ऊपर किया कि सोशियोलॉजी क्या स्टडी करती है, केवल रिलेशनशिप्स। इन्होंने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस किया, सोशल बिहेवियर के ऊपर फोकस किया और इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया। इन्होंने इंडिविजुअल को ऊपर माना कि जो इंडिविजुअल के बीच, लोगों के बीच रिलेशंस होते हैं उसकी स्टडी सोशियोलॉजी करती है। इसके अलावा ये कुछ नहीं करती। इस स्कूल ने सोशियोलॉजी की स्कोप को इतना नैरो कर दिया कि सोशियोलॉजी बस सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करने तक सीमित रह गई थी। इस स्कूल ने ये बोला कि सोशियोलॉजी का किसी और सोशल साइंस के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। इस स्कूल ने ये बोला कि सोशियोलॉजी स्कोप को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, हमें इसकी स्कोप को कम सीमित, लिमिट कर रखना है। तो इसी की वजह से इस स्कूल को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, इस स्कूल को बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया गया। वो हम अब क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, इस स्कूल के क्रिटिसिज्म क्या थे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो फॉर्मल स्कूल था उसको क्रिटिसाइज किया गया, सबसे पहले
हम किस पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा मैं बता देता हूँ। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी, आप सभी को पता होगा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी हमने। उसके बाद मैंने आपको बताया सोशियोलॉजी के स्कोप के लिए दो स्कूल हैं, फॉर्मल स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मल स्कूल जो है उसको पढ़ना शुरू किया था सबसे पहले, मेन आइडिया जो है फॉर्मल स्कूल का वो पढ़ा। फिर दूसरा इसे जो स्कॉलर्स हैं हमने वो पढ़े, उनके व्यूज़ पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं क्रिटिसिज्म। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है स्कूल का कि दिस स्कूल गेव अ वेरी नैरो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो मेरे दोस्तों जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे उन्होंने बोला कि ये स्कूल तो सोशियोलॉजी की स्कोप ही बहुत नैरो दे रहा है। इसको क्रिटिसाइज किया गया कि हम नहीं स्कूल को मानेंगे क्योंकि इस स्कूल ने तो सोशियोलॉजी की स्कोप को बहुत नैरो कर दिया, जो कि गलत है। एक तो इस ग्राउंड पे इसका क्रिटिसिज्म हुआ स्कूल का। दूसरा क्या बोला गया, दूसरा बोला गया कि सोशियोलॉजी जो है वो केवल सोशल रिलेशनशिप को ही स्टडी नहीं करती। सोशियोलॉजी डज नॉट ओनली डू द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। जो सोशियोलॉजी है वो केवल सोशल रिलेशनशिप्स की ही स्टडी नहीं करती है। इस ग्राउंड पर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया, किसको, फॉर्मल स्कूल को। और तीसरा, सोशियोलॉजी हैज रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज आल्सो। सोशियोलॉजी हैज रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज आल्सो। इस ग्राउंड पर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई ये स्कूल बोलते हैं सोशियोलॉजी बस एक इंडिपेंडेंट प्योर सोशल साइंस है और बाकी साइंसेज के साथ इसका रिलेशन नहीं है। भाई ऐसा नहीं हो सकता, सोशियोलॉजी का बाकी साइंसेज के साथ बिल्कुल रिलेशन है, बिल्कुल और साइंसेज के साथ ही चलती है। इनफैक्ट हमने रिलेशनशिप विद पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ा भी है अपने ही इस वीडियोज में। तो सोशियोलॉजी कि इस स्कूल को इन तीनों पॉइंट्स पर क्रिटिसाइज किया गया कि भाई सोशियोलॉजी केवल सोशल रिलेशनशिप को ही स्टडी नहीं करती, केवल प्योर साइंस नहीं है या केवल इंडिपेंडेंट साइंस नहीं है, या ये जो है वो केवल सोशल रिलेशनशिप को स्टडी नहीं करती, इसकी नैरो स्कोप बिल्कुल भी नहीं है, इस स्कूल ने बहुत नैरो स्कोप कर दिया है। तो मेरे दोस्तों इसके बाद अब हम दूसरा स्कूल पढ़ेंगे जो कि है सिंथेटिक स्कूल। तो अब बात करेंगे हम दूसरे स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के थॉट्स की जो स्कोप से डील करता है स्कूल, दैट इज सिंथेटिक स्कूल। तो मेरे दोस्तों अगर मैं सिंथेटिक स्कूल की बात करूं तो सिंथेटिक स्कूल जो था वो फॉर्मल स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट था। जहां फॉर्मल स्कूल जो था वो बिल्कुल नैरो स्कोप की बात करता था सोशियोलॉजी की, कि सोशियोलॉजी की स्कोप बहुत नैरो है, क्या स्टडी करता सोशियोलॉजी, केवल सोशल रिलेशनशिप, सोशल बिहेवियर अमंग इंडिविजुअल ओनली, बस। इस स्कोप को, जो नैरो स्कोप थी, इसको क्रिटिसाइज किया गया बहुत सारे स्कॉलर्स के जरिए कि ये गलत व्यूज़ दिए गए हैं फॉर्मल स्कूल्स के जरिए। तो नया स्कूल आया हमारा सिंथेटिक स्कूल, और इस स्कूल ने क्या किया, सोशियोलॉजी की बहुत वाइडर स्कोप दी, एक बहुत बड़ी स्कोप दी सोशियोलॉजी की, जहाँ पर फॉर्मल स्कूल नैरो स्कोप की बात करता था, सिंथेटिक स्कूल एक वाइडर स्कोप की बात करता है। तो हम इस अब पढ़ेंगे मेन पॉइंट्स जो हमारे सिंथेटिक स्कूल के हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है सिंथेटिक स्कूल का कि अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल सोशियोलॉजी शुड नॉट लिमिटेड इट्स स्कोप टू सम सोशल प्रॉब्लम। क्या बोला गया इस स्कूल के जरिए कि जो सोशियोलॉजी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर तरह की सोशल प्रॉब्लम के साथ डील करता है, और सोशियोलॉजी की स्कोप को हम लिमिट नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते ये बोलकर कि सोशियोलॉजी केवल कुछ एक सोशल प्रॉब्लम के साथ ही डील करता है। नो, इस सोसाइटी में जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सोशल एविल्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम के साथ, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो पावर्टी हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन सभी के साथ कौन डील करता है, सोशियोलॉजी डील करती है। उन सभी की स्टडी कौन करता है, सोशियोलॉजी स्टडी करती है। तो पहला पॉइंट ये बोल दिया गया कि सिंथेटिक स्कूल के हिसाब से सोशियोलॉजी की जो स्कोप है वो बहुत वाइडर स्कोप है, बहुत बड़ी स्कोप है, और ये किसी एक या दो सोशल प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करता, ये हर तरह की सोशल प्रॉब्लम के साथ डील करता है। कौन करता है, सोशियोलॉजी करता है इस स्कूल के हिसाब से। दूसरा, इस स्कूल के हिसाब से क्या बोला गया,
its scope should be widened. What does this school says? What the scholars of this school says? कि जो सोशियोलॉजी है उसकी स्कोप को बड़ा करना चाहिए, वाइड करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए हमारा फॉर्मल स्कूल की तरह से. तो दिस स्कूल बिलीव्स दैट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी वाइडेंड एंड शुड नॉट बी नैरोड. तीसरा, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल सोसाइटी शुड बी स्टडीड एज ए होल. स्टडी ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी मे मिसलीड एंड कॉज रॉन्ग रिजल्ट. क्या बोला गया इस स्कूल के हिसाब से कि अगर आप सोसाइटी की स्टडी कर रहे हो, सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो स्टडी ऑफ सोसाइटी का मतलब है सोसाइटी को एज ए होल स्टडी करना, सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट्स की स्टडी करना. सोसाइटी के अंदर मैरिज होती है उसकी भी स्टडी करना, सोसाइटी के अंदर इंस्टीट्यूशन है उसकी भी स्टडी करना, सोसाइटी के अंदर कल्चर आता है अपना अपना उसकी भी स्टडी करना, सोसाइटी में स्टार्टिफिकेशन होता है उसकी भी स्टडी करना, सोसाइटी में रूल्स बनाए जाते हैं उसकी भी स्टडी करना, सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स बनाए जाते हैं, वैल्यूज होती है, सोसाइटी में हर एक चीज की स्टडी करना किसकी स्टडी होगी? सोशियोलॉजी की स्टडी होगी. क्या बोला गया साइंथेटिक स्कूल वालों के जरिए कि जो सोसाइटी है उसके हर एक एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजी के अंडर. अगर हम उसके एक या दो एस्पेक्ट को ही स्टडी करें, सोसाइटी के केवल एक एस्पेक्ट को ही स्टडी करें, तो इसकी वजह से गलत रिजल्ट पैदा हो सकते हैं, मिसलीड हो सकते हैं लोग. तो दूसरा, इस स्कूल के थॉट्स इस कोर्स के स्कॉलर्स के जरिए बोला गया कि सोसाइटी की स्टडी एज ए होल करता है हमारा सोशियोलॉजी. उसके बाद क्या बोला गया मेन पॉइंट इसमें, सोशियोलॉजी हैज़ वेरी क्लोज रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज. जहाँ पे फॉर्मल स्कूल ने बोला था कि सोशियोलॉजी एक सेपरेट साइंस है, इंडिपेंडेंट साइंस है, बस इसका अपना ही एक स्कोप है, अपने तक ही सीमित है, बाकी साइंसेस का कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस स्कूल ने इस व्यू को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और कहा कि सोशियोलॉजी एक ऐसी सोशल साइंस है जिसका और सोशल साइंसेस के साथ क्लोज रिलेशनशिप है. इसका सोशियोलॉजी एक ऐसी सोशल साइंस है जिसका रिलेशनशिप पॉलिटिकल साइंस के साथ भी है, हिस्ट्री के साथ भी है, साइकोलॉजी के साथ भी है, एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी है, इसका स्कोप लॉ के साथ भी है. तो मेरे दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो साइंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग जो साइंथेटिक स्कूल है, इसने जो व्यूज़ दिए, ये व्यूज़ हमारे फॉर्मल स्कूल के जरिए दिए हुए व्यूज़ से टोटली डिफरेंट थे. जहाँ फॉर्मल स्कूल छोटी सी स्कोप की बात करता था सोशियोलॉजी की, ये स्कूल सोशियोलॉजी की बहुत बड़ी स्कोप की बात करता है. जहाँ फॉर्मल स्कूल केवल रिलेशनशिप तक ही सीमित था, ये स्कूल रिलेशनशिप के अलावा जो बाकी कंसेप्ट हैं सोशियोलॉजी सोसाइटी में सारे के सारे, चाहे इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कल्चर, पॉपुलेशन, इन सभी की स्टडी करने की बात करता है. जहाँ फॉर्मल स्कूल बोलता था सोशियोलॉजी एक अकेला सब्जेक्ट है, अकेला चलेगा, इसका औरों के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस स्कूल ने कहा सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बाकी सोशल साइंस के साथ बिल्कुल क्लोजली रिलेशनशिप है. तो अब मेरे दोस्तों, हम बात करते हैं वेरियस स्कॉलर्स की या सोशियोलॉजिस्ट की जो कि साइंथेटिक स्कूल से बिलोंग करते हैं. तो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अगस्ट कोम्टे, जिसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला जाता है, जो फ्रेंच के एक फिलोसोफर थे और 1839 में सोशियोलॉजी टर्म सबसे पहले क्वाइन करी थी, इन अगस्ट कोम्टे का मानना है सोशियोलॉजी की स्कोप बहुत वाइड है. क्या बोला उन्होंने, ध्यान सुनिए, सोशियोलॉजी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी वाइडेंड. जो स्कोप है सोशियोलॉजी की वो नैरो नहीं करनी चाहिए, वाइड करनी चाहिए. एक ऐसा डिसिप्लिन है जो अपने साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, लो, इन सभी सोशल साइंसेस के साथ चलता है. सोशियोलॉजी की स्कोप बहुत वाइडर है अगस्त कोम्टे के हिसाब से. सेकंड, अगर मैं पी सोरोकिन की बात करूँ, तो पी सोरोकिन क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी इज अ जर्नल साइंस. देखिए क्या बोला पी सोरोकिन ने, सोशियोलॉजी एक जर्नल साइंस है. जर्नल साइंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी साइंस जिसमें हम सब कुछ स्टडी करते हैं, जिसमें आप सोशल रिलेशनशिप भी स्टडी करोगे, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट भी स्टडी करोगे, साइकोलॉजी के कंसेप्ट भी स्टडी करोगे, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी की भी स्टडी करोगे, पॉलिटिकल कंसेप्ट भी स्टडी करोगे.
जहां पर फॉर्मर स्कूल बोलता था कि सोशियोलॉजी की कंसेप्ट को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, सोशियोलॉजी को हम जनरल साइंस नहीं बना सकते, वहीं पे साइंथेटिक स्कूल ये बोलता है कि सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है और ये एक ऐसी सोशल साइंस है जिसमें आप हर एक सोशल साइंस की चीज़ों को पढ़ोगे। अब आप देखिए अपने आसपास, आप अपने सिलेबस में देखिए, अगर आप बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं या आप बीए या किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है आपको, तो आप देखिए आपके सिलेबस में सोशियोलॉजी में आप अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ोगे, पॉवर्टी भी पढ़ोगे। ये चीज़ें किस में पढ़ी जाती हैं? इकोनॉमिक्स में, पर हम यहाँ भी पढ़ते हैं। आप सोशियोलॉजी में स्टेट के बारे में पढ़ोगे, पावर के बारे में पढ़ोगे, अथॉरिटी के बारे में पढ़ोगे, ये चीज़ें कहाँ पढ़ी जाती हैं? पॉलिटिकल साइंस में। आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ोगे, आप सोशियोलॉजी में जो है वो बाकी बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करोगे जो आप अदरवाइज बाकी साइंसेज में भी करते हो। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है, इसकी स्कोप बहुत वाइडर है और नैरो स्कोप इसकी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मैं इमाइल दुर्खेम की बात करूँ, यही फ्रेंच फिलोसोफर थे, फ्रेंच स्कॉलर थे, इन्होंने भी सोशियोलॉजी की स्कोप को बहुत वाइड बताया है। इन्होंने काफ़ी कुछ थॉट्स अपने बताए हैं रिगार्डिंग सोशियोलॉजी, और उन सभी थॉट्स का मतलब सिंपल सा यही है कि सोशियोलॉजी जो है वो बहुत वाइडर साइंस है और बहुत कुछ स्टडी करता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अभी आगे बताऊँगा आपको, कंक्लूजन पर आऊँगा, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, एक तो हमने जनरल स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में क्या पढ़ लिया, स्कूल्स के बारे में हमने फॉर्मल स्कूल पढ़ा जिसको आप स्पेशलिस्टिक स्कूल भी बोलते हो, जिसके हिसाब से सोशियोलॉजी की स्कोप बहुत नैरो है। फिर हमने साइंथेटिक स्कूल पढ़ा जिसके हिसाब से सोशियोलॉजी की स्कोप जो है वो बहुत वाइडर है। इसके अलावा अगर लास्ट में आप लिखोगे तो आप लिखोगे दस वी कैन से दैट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी वेरी wider, even though when this discipline came into existence and was coined by the Auguste Comte, at that time sociology was not known to everyone, but now this is emerging social science and even is considered as the mother of other social sciences as well. Now sociology is a mother of other social sciences also. History, political science, they have a very historical origin. They have a not a recent origin. They are very very old social sciences, even though this sociology has given the status of mother of all social sciences. This social science is now emerging day by day and is including various aspects within itself. To mere dosto, sociology is that social science which do the study of society, which do the study of community, which do the study of institution, which do the study of association, which do the study of culture, which do the study of social stratification, which do the study of norms, study of values, study of status, study of role, study of power, study of authority, study of laws, study of various relationship with other sciences, study of unemployment, study of marriage, study of institution, study of kinship, study of poverty, study of drug addiction, study of SCST community. आज सोशियोलॉजी की स्कोप इतनी बड़ी हो गई है कि सोशियोलॉजी में आप हर उस चीज़ को पढ़ोगे जो हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है। सोसाइटी में हमें लॉज देखने को मिलती है, सोशियोलॉजी स्टडी करती है। सोसाइटी में हमें ह्यूमन बीइंग्स देखने को मिलते हैं, सोशियोलॉजी स्टडी करती है। सोसाइटी में हमें एसोसिएशन देखने को मिलते हैं, पोलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं, स्टडी सोशियोलॉजी करती है। सोसाइटी में हमें वेरियस कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं, SCST कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, स्टडी सोशियोलॉजी करती है। तो सोशियोलॉजी एक जर्नल साइंस है विच हैज़ अ वेरी वेरी वाइडर वाइडर स्कोप एंड इट हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज। ये सारी चीज़ें आप कंक्लूजन में लिख सकते हो और ऐसे आपका एक कंसेप्ट खत्म हो जाता है। आई होप आपको सोशियोलॉजी की स्कोप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और फिर भी डाउट है तो यू कैन लीव मी सम मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड आई विल फील इट माई प्लेजर टू रिप्लाई टू यू ऑन योर मैसेजेस। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।